बिहार में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत की खबर ने खतरे की घंटी बजा दी है। बिहार के वैशाली का युवक 2 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिसकी मौत हो गई। इससे पहले मुंगेर के एक शख्स की कोरोना की वजह से जान चली गई थी। बिहार का वैशाली ही नहीं, कई दूसरे जिलों में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यह है बिहार का बेगूसराय, जहां कोरोना के मरीजों की संख्या 8 हो गई है और यहां के 6 जगहों को हॉटस्पॉट बनाया गया है। खतरे को देखते हुए कोरोना को रोकने के लिए डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। बेगूसराय जिले के 6 लाख घरों में 1295 स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे कर रही है। इस काम को निपटाने के लिए 5 दिनों का वक्त दिया गया है। विभाग के निर्देश के आलोक में हम लोगों के द्वारा यहाँ पे पूरे जिले में ही घर घर सर्वे का कार्य आज से प्रारंभ किया गया है। इसके लिए जो पल्स पोलियो की हम लोगों की टीम है, टोटल 1295 टीम्स हैं हम लोग यहाँ पे लगभग। उन सभी टीम को कल ट्रेनिंग दी गई थी और ट्रेनिंग के बाद आज से उनके द्वारा घर घर सर्वे किया जा रहा है। टोटल अपने जिले में लगभग 6 लाख घर हैं, तो हम लोगों का पूरा आकलन है कि 5 दिनों में 1 राउंड सभी घरों का सर्वे कर लिया जाएगा। उसके पश्चात अगले 3 दिन में पुनः अगर कोई घर छूटा होगा तो पुनः उसका सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे के दौरान मुख्य रूप से हम लोगों को जो सूचनाएं प्रत्येक घर से प्राप्त करनी है, एक तो घर के सभी व्यक्तियों का नाम और साथ ही साथ अगर उसमें कोई व्यक्ति बाहर से आया हुआ होगा तो उसकी डिटेल, और इसके अतिरिक्त एक और लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति ILI या सारी सिम्टम्स, जिसको हम लोग सर्दी जुकाम बुखार या सांस लेने में तकलीफ की अगर किसी को समस्या होगी उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। और ऐसे व्यक्तियों को दिन भर हाउस टू हाउस जाके जो टीम्स जितने भी घरों का सर्वे किए रहेंगी और जितने व्यक्ति इस तरह के सिम्टम्स से ग्रसित पाए जाएंगे उन सभी व्यक्तियों को अगले दिन प्रखंड मुख्यालय में ले आके और उनका सैंपल लेके उसकी जांच कराई जाएगी। और ये प्रक्रिया प्रतिदिन होगी ताकि पूरे बेगूसराय जिला में अगर कोई भी व्यक्ति सर्दी जुकाम बुखार सांस लेने में तकलीफ से अगर उसको ग्रसित है तो उसको हम लोग प्रिकॉशनरी रूप से सभी लोगों का सैंपल लेकर उसका टेस्ट करवा लेंगे ताकि हम लोग अपने जिले में कोरोना के किसी भी तरीके के संक्रमण की संभावना को खत्म कर सकें। अब तक बिहार में कोरोना के 83 मरीज सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सिवान के 29 मरीज हैं। वहीं नवादा और नालंदा में भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिहार के 4 हॉटस्पॉट जिलों में राज्य सरकार ने अब घर घर जाकर जांच करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बात साफ है कि ये 4 जिले राज्य सरकार के लिए सिरदर्द बन चुके हैं, क्योंकि कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले भी इन्हीं 4 जिलों में हैं और माना जा रहा है कि टेस्टिंग में तेज़ी आने से कोरोना को फैलने से और रोका जा सकता है। बिहार में बड़ी तादाद में दिहाड़ी मजदूर दूसरे राज्यों से लौटे हैं, जिनकी अब तक ठीक से जाँच नहीं हुई है। वहीं कई जगहों पर बाहर से आने वाले लोगों को बिना आइसोलेशन में रखे ही अपने घर जाने दिया गया है। और इन सबके बीच बिहार में कोरोना के संदिग्ध मरीजों की सबसे सुस्त रफ्तार से जांच भी चिंता का सबब बन सकता है। बेगूसराय से सौरभ कुमार, पटना से रोहित सिंह।